वेलकम यू ऑल। इस टॉपिक में यार हम इस वीडियो में यार मैग्नेटिज्म टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने बायो कंप्लीट कर रखा है यार, और फिजिक्स भी एक से दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कल ही कंप्लीट हो जाएगा। देखना पड़ेगा कितने टॉपिक और बचे हुए हैं, राइट। उसके बाद केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो भी मिल जाएगा कर लेंगे यार, है ना। RRC ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चल रहा है यार, डेफिनेटली देखो और शेयर करो यार। शेयर इतने सारे प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, दिस और दैट, जितने सारे प्लेटफॉर्म में शेयर करो, राइट। चलो यार स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर दो, शेयर ज़रूर करो, लाइक करो। दिस इज मी वेलकमिंग यू ऑल गाइज, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? क्या लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? कॉन्वेक्शन करेंट इन अर्थ कोर, फॉर पारामैग्नेटिक मैटेरियल्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। What is the direction of magnetic field lines outside a magnet? क्या होता है यार, जैसे कि ये है, ये ले लेते हैं यार, north south, north south। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, है ना। north south, नॉर्थ साउथ, राइट। बाहर की तरफ इधर, ये भी है ना, इसमें भी दो दो दो, और इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, दिस दिस दिस। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। अरे यार इसको, ये 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 सो ओ ओ ओ, राइट। सो जो तुम देख सकते हो इस फिगर में, जो मैग्नेटिज्म है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, राइट। इसमें भी देखो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा, है ना। एट रूम टेम्परेचर द सब्सटेंसेस विच रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड व्हाट? क्या कहते हैं उसे, परमानेंट मैग्नेट। The electric current of an electromagnet is switched off, then the magnetic property of the electromagnet will be remain for a moment. तुम देखते होगे यार, मैग्नेट मान लो हटा भी दिया, फिर भी थोड़ा सा उसमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहता है, थोड़े टाइम के लिए वो कोई क्वाइन है, क्वाइन के साथ वो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसमें इम्पैक्ट रहता है। The first electromagnetic टेलीग्राफ वॉज बिल्ड बाय, किसने किया था यार, कार्ल फ्राइडरिक गॉस एंड विलहेल्म वेबर। द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होता है, बॉथ पोल्स। मैग्नेटिज्म एज सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज जीरो। मैग्नेटिक मैटेरियल्स आर द मैटेरियल्स विच वट, नो ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन। मैग्नेटिक मैटेरियल आर द मैटेरियल्स विच, चलो इसका आंसर तुम लोग दो। मैग्नेटिक मैटेरियल होता है उसका जो मैटेरियल, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कॉमेंट में लिखो, इसका आंसर तुम लोग बताओ। अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू डायनमो इफेक्ट, राइट। तो तुमने देखा होगा जो भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था, और कमेंट में बता सकते हो यार कितने क्वेश्चन तुमने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, इससे पता चलेगा तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, राइट। सो दिस विल मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।